वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्वीट डिश जिसके लिए आपको ना ही गैस जलाने की आवश्यकता है और ना ही आपको चाशनी बनाने की और ना ही बेसन को भूनने की। इसके साथ शेयर करूंगी बेसन की बर्फी और इसे हम बनाएंगे मिनटों में 3 से 4 सामान के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मुझे जो सामान चाहिए वो इस तरह से है। इस बर्फी को बनाने के लिए मुझे ज्यादा कुछ सामान की आवश्यकता नहीं है, यह मात्र 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी। रोस्टेड चना दाल 1 से 1.5 कप, 2 से 3 चम्मच शुद्ध देसी घी, 3 से 4 चम्मच चीनी, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, चॉप्ड किए हुए बादाम, 2 पिंच इलायची पाउडर और मिल्क पाउडर 3 से 4 चम्मच। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं बेसन की बर्फी। सबसे पहले मैं लूंगी इस तरह का मिक्सी का जार, रोस्टेड चना दाल डाल दूंगी। अब मैं करूंगी इसे ग्राइंड। इस तरह से मैंने दाल को मिक्सी के जार में पीस लिया है। अब मैं लूंगी इस तरह का एक स्ट्रेनर, पीसी हुई दाल को छान लूंगी। इसे छानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हो सकता है कि दाल के कुछ पार्टिकल रह जाए जो कि हमारी बर्फी के टेस्ट को खराब कर देंगे। इस तरह से इसे छान लीजिए। इस बर्फी को हम बिना गैस जलाए मात्र 4 से 5 मिनट में बना रहे हैं। यह फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। इस चना दाल को पीस कर इसके अंदर छान लिया है। इसी जार में चीनी को पीस लेंगे। आप चीनी की जगह गुड़ा खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी मैं पीस लूंगी। फ्रेंड्स मैंने चीनी को भी पीस लिया है। अब मैं लूंगी इस तरह का एक बाउल, भुनी हुई रोस्टेड चना दाल डाल देंगे। इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसी बर्तन में भी बना सकते हैं। अब मैं पिसी हुई चीनी इसके अंदर डाल दूंगी, मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर के डालने से इस बर्फी का जो टेस्ट है वो काफी बढ़ जाता है। चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये बर्फी इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है और इस बर्फी को बनाने के लिए हमें बेसन को भी भूनने की जरूरत नहीं है। अब यह हमारा मिक्स हो चुका है। अब मैं डालूंगी इलायची पाउडर और 2 से 3 चम्मच शुद्ध देसी घी। आप इसकी जगह मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी ताकि हमारा अच्छे से बाइंड हो जाए। इस घी को मैं पूरे बैटर में अच्छी तरह से मिला लूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अच्छी तरह से घी को मिक्स कर लिया है। इस घी के डालने से हमारी जो बर्फी है वो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। ये देखिए फ्रेंड्स घी हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। यदि आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसके अंदर दूध भी डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मलाई डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। जब यह हमारा, हमें इसमें ज्यादा मलाई का इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह से मिक्स करते जाइए। आप घर पर ही इस तरह से स्वीट्स बनाएं, घर की मिठाई एकदम शुद्ध होती है और हमें यह ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ती। ये मिठाई 2 से 3 दिन भी खराब नहीं होती।
इससे ज्यादा हमें नहीं रखना। मिक्स करिए, हमें मिक्स अच्छी तरह से करना है ताकि यह कहीं से भी सूखा सूखा महसूस ना हो। यह बर्फी जमाने के लिए तैयार है। अब मैं लूंगी इस तरह का एक लंच बॉक्स, इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी को इसके चारों तरफ ग्रीस कर देंगे। घी लगाना मस्ट है क्योंकि घी के बगैर ये हमारी नीचे से चिपक जाएगी। इस तरह से आप ग्रीस कर लिया। अब मैं लूंगी इस तरह का एक पेपर, ये बटर पेपर मेरे पास था नहीं, इसीलिए थोड़ा घी मैं इसके ऊपर भी लगा दूंगी। अभी हमारा बटर पेपर का ही काम करेगा। इस तरह से लगा दीजिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी तैयार किया हुआ बैटर, जो कि हमने बेसन की बर्फी के लिए तैयार किया है। इसके अंदर डाल देंगे। मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छी तरह से मैं इसे हाथ की हेल्प से दबा लूंगी ताकि हमारी अच्छी तरह से जम जाए। इस तरह से हम दबाते हैं तो हमारी बर्फी के जो पीस है वो एकदम अच्छे से निकल कर आते हैं। अब मैं लूंगी इस तरह की एक छोटी सी कटोरी, इसके पीछे हम घी को लगा लेंगे इस तरह से। अब इसकी हेल्प से मैं इसे इक्वल कर लूंगी इस तरह से। यह इस तरह से इक्वल सारी तरफ से हो जाती है। इसके ऊपर डालूंगी इस तरह से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास बादाम थे इसीलिए मैं बादाम डाल रही हूं। इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। से मैंने बादाम को बर्फी के ऊपर डाल दिया और एक बार इसी कटोरी की हेल्प से मैं इसे प्रेस कर दूंगी ताकि यह इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। अभी हमारी बर्फी तैयार है जमाने के लिए। मैं इसे केवल 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब हमारी मिठाई को जमे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसे डिमोल्ड। अब मैं लूंगी इस तरह की एक प्लेट, इसके ऊपर हम मिठाई के डिब्बे को रख लेंगे, ऊपर से टैप करेंगे। इस तरह से हमारी जो बर्फी है वो इजीली निकल जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो पेपर है वो इसके नीचे ही रह जाता है। अब मैं इस बर्फी को सीधा कर लूंगी इस तरह से। अब हम इसके पीस कट करेंगे। इस तरह से मैं बर्फी के पीस कट कर लूंगी। बर्फी के पीस आप अपनी मर्जी से बड़े छोटे रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बर्फी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, यह कितनी स्मूथली कट भी रही है। इसी तरह से मैं साइड से भी कट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बर्फी को बनाकर तैयार कर लिया है। इस बर्फी को बनाने के लिए मुझे ना ही गैस की जरूरत पड़ी और ना ही कोई चाशनी बनाने की जरूरत पड़ी। आप भी इसी तरह से इस बर्फी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। अब हम करेंगे इसे सर्व। सर्व करने के लिए मैं लूंगी इस तरह की एक सर्विंग प्लेट, इसमें मैं इन सभी बर्फी के पीसों को रख लूंगी। यदि आपके पास इस तरह की सर्विंग प्लेट नहीं है तो आप किसी भी प्लेट में से सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बर्फी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। इस तरह से मैं सभी बर्फी के पीस इस प्लेट के अंदर सर्व कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स,
मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारी बर्फी का टेक्सचर अंदर से कैसा है। यह खाने में भी उतनी ही टेस्टी है जितनी की आपको दिखाई दे रही है। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।